वीर शिवाजी महाराज गट्टू और चिंकी स्कूल में इंटरवल में खाना खा रहे होते हैं। गुड्डी और बंटी भी अपना टिफिन लेकर आ जाते हैं। मैं अपने घर से इडली लाई हूँ, तुम क्या लाए हो गट्टू? मैं आज आलू का पराठा बनवा कर लाया हूँ, मेरा फेवरेट है ये। और मेरा फेवरेट है सैंडविच, वही लेकर आई हूँ, तुम भी खाओ ना। चारों मिलकर खाना खाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। गट्टू आज तो बुधवार है, आज हमारी स्पेशल क्लास होगी। हाँ, मैं तो बुधवार का पूरा हफ्ता वेट करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे स्पेशल क्लास, कितना कुछ नया जानने को मिलता है। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है और सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और टीचर क्लास में आ जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, उम्मीद करता हूँ आप सब स्पेशल क्लास का वेट कर रहे होंगे। यस सर, मैं तो पूरा हफ्ता स्पेशल क्लास का वेट करती हूँ सर, कितना कुछ नया जानने को मिलता है। वाओ, यही तो उद्देश्य है इस क्लास का कि आप सभी अपने देश के गौरवशाली इतिहास, कल्चर, धर्म के बारे में जान सको। तो इसी सीरीज में आज हम हिंदुआ सूरज शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। शिवाजी महाराज? हाँ, शिवाजी महाराज। सबसे पहले मैं पावर पॉइंट शुरू करता हूँ। ये है शिवाजी महाराज, इनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी राजे भोसले था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ। जीजाबाई उनकी माँ थी जिन्होंने उनको धर्म की उच्चतम शिक्षा दी। बधाई हो महाराज साहेब और राजमाता जीजाबाई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आज तो मैं मोतियों की माला लूंगी इस खुशखबरी के बदले। शिवाजी के पिता अपनी मोतियों की माला गले से निकालकर दाई माँ को देते हुए कहते हैं, आज न केवल हमें बल्कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य को वारिस मिल गया है, ये हार आपका है। अब से जाओ, पंडित जी को बुलावा भिजवा दो, इनकी पत्री बनवाई जाए। थोड़ी देर बाद पंडित जी आते हैं जो बालक को देखते हुए कहते हैं, ये बालक संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कुल गौरव बनेगा और धरा पर नाम रोशन करेगा। ये पूरी भारत भूमि पर भगवा लहराएगा और इसको एक सूत्र में पिरो देगा। शत्रु इसके नाम से कांपेंगे और रणभूमि में केवल इनके नाम से हाहाकार मच जाएगा। हाँ पंडित जी, इनका नाम क्या रखा जाए? ये शिवजी के नाम का डंका बजाएंगे, इनके हर हर महादेव के उद्देश्य से शत्रु भी कांपेंगे, इसीलिए इनका नाम शिवाजी रखा जाए। और इस तरह से शिवाजी महाराज की भविष्यवाणी हो गई। इन्हीं शिवाजी महाराज ने आगे चलकर हिंदुओं का मान और गौरव को बढ़ाते हुए औरंगजेब से लोहा लिया। तो आप सब नोट्स बना लो बच्चों। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। वो लड़ाई कैसे करते थे सर? क्या उनके पास आज के जैसे रॉकेट और लॉन्चर हुआ करते थे? नहीं बच्चों, उस समय रॉकेट नहीं बने थे, लेकिन उनकी सेना के टुकड़िया और सेनापति हुआ करते थे जो अलग अलग मोर्चों पर राज्य की रक्षा करते थे और साथ ही साथ सीमा का विस्तार भी किया करते थे। और सबसे मजेदार बात है, गोरिल्ला छापामार युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यही हुई थी। गोरिल्ला छापामार मतलब? रुको अभी बताता हूँ एक क्लिपिंग से कि वो कैसे लड़ते थे। वैसे भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। बाद में इससे प्रेरणा लेकर ही शिवाजी महाराज की सेना ने इसका प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ महाराज। इस बार सेना बहुत ही सशक्त है और टुकड़ी भी बहुत बड़ी है, आखिर कैसे बचेंगे हम? जब लकड़ी का गठर बड़ा हो तो एक एक लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह से शत्रु यदि बड़ा और बलवान हो तो उस पर सीधा नहीं कूटनीतिक हमला करना होगा। वो कैसे महाराज? बस छोटी छोटी अलग अलग टुकड़ियां बनाओ, उनको अलग वेशभूषा दो जो जंगल पहाड़ी में आसानी से छुप पाए, और उसको शत्रु सेना के चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार करो। जैसे गोरिल्ला कहीं से भी हमला कर देता है, ठीक वैसे ही। आपका आदेश सर माथे पर। और उसके बाद तानाजी मालूसरे और बाजी प्रभु देशपांडे नाम के सरदारों ने इसी गोरिल्ला नीति से युद्ध लड़े और मुगलों को परास्त किया। शिवाजी महाराज का विवाह सही भाई निम्बालकर से हुआ। उन्होंने कुल 8 विवाह किए और धीरे धीरे
साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तोरण को जीता, उसके बाद पुरंदर आदिल शाह को भी उन्होंने अपनी रणनीति से नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजगढ़ के दुर्ग को जीता। उनके सबसे बड़े शत्रु कौन थे? एक समय बाद मुगल उनके सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभरे, क्योंकि शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति के साथ साथ उनका भगवा ध्वज भी सब जगह फहरा रहे थे। यहाँ तक कि पुर्तगालियों को भी उन्होंने हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन पहली लड़ाई कब हुई मुगलों से? बात तब की है जब शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, और उसी समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया, लेकिन यहीं पर शिवाजी महाराज ने दूरदर्शिता दिखाते हुए औरंगजेब पर हमला कर दिया। ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े भी लूट लिए। बाद में यही औरंगजेब आगे चलकर शहजादा के बाद मुगल साम्राज्य के शहंशाह बने। शिवाजी महाराज ने तब तक कितने किले जीत लिए थे सर? उन्होंने कोकण की जीत के बाद कुल 40 दुर्ग जीत लिए थे। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ। आज से शिवाजी महाराज को छत्रपति के नाम से जाना जाएगा और इनकी शिव गर्जना संपूर्ण विश्व में फैलेगी। ब्राह्मण दरबार में शिवाजी महाराज को मुकुट पहनाते हैं और सभी लोग उनकी जय जयकार करते हैं। शिवाजी महाराज की जय। वो एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शासन की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखी। वे पहले मराठा सम्राट थे जिन्होंने मंत्रियों का अष्ट प्रधान मंडल स्थापित किया। उन मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे। उनके सभी विभागों और कार्यों का बंटवारा अद्भुत तरीके से बटा हुआ था। उन्होंने मराठा साम्राज्य का डंका पूरे देश में बजवाया और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। इतने ग्रेट थे शिवाजी महाराज। हाँ, और ऐसे ग्रेट वॉरियर हम सबको भी बनना है लाइफ में। ये याद रखना, हमेशा सत्य और धर्म के लिए लड़ना है। बनोगे ना साहब? यस सर। ग्रेट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।